नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब, मैं आरसी संदीप आज हाजिर हूं आप सबके बीच में ऑनलाइन मोबाइल एक्सेसिबिलिटी वर्कशॉप पार्ट 79 लेकर के। आप लोगों को दोस्तों ये नाम जाना पहचाना लग रहा होगा। चलिए थोड़ी आपकी याददाश्त को चेक कर लेते हैं। ये हमारी एक ऐसी सीरीज रही दोस्तों, जो मैं ये कह सकता हूं कि हमराही कार्यक्रम के बाद दूसरे नंबर पर सफल होने वाली एक सीरीज है। हालांकि हमराही कार्यक्रम इसके बाद आया था, वो जुलाई 2020 से चल रहा है और हमारी ये सीरीज नवंबर 2019 से। आज तक हमने 78 पार्ट्स आप सबके लिए प्रस्तुत किए हैं रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल पर, और आप सबने बहुत पसंद भी किए हैं। और इस पूरी प्लेलिस्ट को अभी तक 1800 से ज़्यादा व्यूज़ मिल चुके हैं, तो ये भी अपने आप में हमारे लिए बहुत उत्साहवर्धक बात है। और कहीं ना कहीं यही कारण है दोस्तों कि आज बहुत लंबे समय के बाद इस सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए एक बार फिर से मैं तैयार हूं। चूंकि ये सीरीज बहुत लंबे समय बाद आ रही है, तो इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें एक बार फिर से आप सबको रिमाइंड करा दी जाए। आप सब जानते हैं जब छत्तीसगढ़ में आदरणीय मुकेश जैन सर ने एक ट्रेनिंग वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की थी छत्तीसगढ़ के दूरदराज ग्रामीण अंचलों के दृष्टिबाधित साथियों के लिए, और वहाँ पर जो कुछ परिस्थितियाँ हम लोगों के सामने आई, रिकॉर्डिंग क्लब के सामने आई, कि मोबाइल से संबंधित बेसिक से बेसिक जानकारियाँ भी लोगों के पास नहीं थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए रिकॉर्डिंग क्लब टीम ने यह निर्णय लिया कि हम एक ऐसी सीरीज शुरू करेंगे जो कि अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति के भी काम आएगी, बल्कि उसके ज्यादा काम आएगी, ये सोच करके हमने इस सीरीज को लॉन्च किया था। और ये प्रयास बहुत सफल भी रहा हमारा। हमें बहुत सारे ऐसे साथी मिले जिन्होंने केवल इस सीरीज के वीडियोस को, ऑडियोस को सुन करके ही मोबाइल को अच्छी तरह से चलाना सीखा। चाहे वो हमारे बुजुर्ग साथी हों या फिर ऐसे साथी हों जो लेट ब्लाइंड हुए, उन सबको कहीं ना कहीं इस सीरीज से बहुत लाभ मिला। बहुत लोगों को फ़ोन कौन सा खरीदना है, मोबाइल की कौन सी ABCD है, हम कौन कौन सी छोटी छोटी बातों का ध्यान रख करके अपने कामकाज को आसान बना सकते हैं, तो ये तमाम तरह की कोशिशें इस सीरीज के माध्यम से की गई। और हर क्षेत्र में क्या लाभ मिल सकता है, किस तरह का लाभ मिल सकता है, मोबाइल के माध्यम से हम कितना कुछ कर सकते हैं, ये सब समझाने का प्रयास किया गया। और इस वर्कशॉप में कई सारे साथियों ने आकर के वीडियोस बनाए। कुछ नाम मुझे याद आते हैं, हमारे शिवशंकर कपूर जी, विशाल, और विशाल के अलावा भी कुछ साथी रहे हैं हमारे, तो तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। हिमांशु को हम भूल रहे थे, हरियाणा से, तो हिमांशु जी, इन तमाम साथियों ने अपनी तरफ से इस सीरीज को जितना हो सके उतना आगे पहुंचाने का, आगे बढ़ाने का काम किया। और कई सारे युवा साथी आज भी चाहते हैं कि वो रिकॉर्डिंग क्लब के साथ मिलकर के काम करें और इस सीरीज को आगे बढ़ाने में मदद करें, तो ऐसे सभी साथियों का रिकॉर्डिंग क्लब परिवार में स्वागत है। आप जब चाहें, जिस टॉपिक पर चाहें, जितना चाहें वीडियो तैयार करें और हमको भेजें, हम उसको मोबाइल एक्सेसिबिलिटी वर्कशॉप में ज़रूर अपलोड करेंगे। बस आपको ध्यान ये रखना है कि मोबाइल एक्सेसिबिलिटी वर्कशॉप का जैसे ये 79वां अंक है, तो आप
जो भी अंक तैयार कर रहे हैं उस समय उस संख्या का ध्यान रखें, उसमें बोलें तमाम बातों को, रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल के बारे में भी बताएं और हमारे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को मौका दिया जाना चाहिए अपनी प्रतिभा का के प्रदर्शन का। और ये जो सीरीज़ है जिसमें हम ये कोशिश करते हैं कि जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, जिन्होंने अभी अभी फ़ोन ख़रीदा है, जिनको कुछ भी नहीं पता, ऐसे लोगों को हम किसी तरीके से बिना किसी की मदद के, बिना कहीं पर गए, जहां वो रहते हैं वहीं पर उनको मदद अगर मिल जाए तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। तो इसी सिलसिले में दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊं, रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको अगर कोई सा भी रिकॉर्डिंग क्लब का वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, और ज़्यादा अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, आप कमेंट करें यूट्यूब जो भी वीडियो देखें उसमें। तमाम तरह के ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल पर आपके लिए अवेलेबल हैं, बहुत सारी प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं और आगे इनमें निरंतर बढ़ोतरी होगी। हाँ, रिकॉर्डिंग क्लब ऐप भी आ गया है, उसको भी आप इंस्टॉल कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक भी दे देंगे। रिकॉर्डिंग क्लब पर आज बहुत सारी ऑडियो बुक्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स डेली अपलोड किए जाते हैं, कुछ ना कुछ आपके लिए ज़रूर है उस ऐप में। राइटर की सुविधा हो, मैट्रिमोनियल बीट के लिए आपको अप्लाई करना हो, या रिकॉर्डिंग क्लब के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से जुड़ना हो, सबके लिए आप वहीं पर संपर्क करें। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत खास होने वाला है, और आप रिकॉर्डिंग क्लब को पसंद करें या ना करें, मुझे पसंद करें या ना करें, आप अपनी कोई भी ज़ाती राय रखते हों रिकॉर्डिंग क्लब के बारे में, लेकिन आपको मैं बताऊं, आपको मेरे धैर्य की बहुत दाद देनी पड़ेगी दोस्तों। अब बताइए कौन ऐसा होगा जो आगे होकर के ये बात कहेगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ। अब क्यों कह रहा हूँ ये, उसके लिए आपको ये वीडियो पूरा सुनना पड़ेगा। चलिए, कहानियाँ सुनाने का बड़ा शौक है मुझको, और मोबाइल एक्सेसिबिलिटी वर्कशॉप में भी हम कहीं ना कहीं कहानी लेकर के आ गए। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि मैं ये रिकॉर्डिंग आज अपने Realme X7 Max 5G से कर रहा हूँ। बहुत लोगों को ये लगता है कि पता है, मतलब कि मेरे पास सैमसंग का फ़ोन है, डेफिनेटली है, आज भी है। मैं अपना सैमसंग M30S जो कि मैंने 2019 ही में ख़रीदा था, उसको यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन कहानी दरअसल यहीं से शुरू होती है। दोस्तों, जून 2021 में मेरा फ़ोन सैमसंग M30S चलते चलते बंद हो गया, मेरा बहुत सारा डेटा चला गया, और कहीं ना कहीं मैं महीने भर तक केवल यही सोचता रहा कि काश कोई चमत्कार हो जाए, मेरा फ़ोन ठीक हो जाए, मैं इसमें से डेटा निकाल लूं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जब ऐसा नहीं हुआ तो आखिरकार दुखी होकर के मैंने अपने लिए फ़ोन लेने का निर्णय किया, और वो फ़ोन ख़रीदा Realme X7 Max 5G। Realme का फ़ोन तो ख़रीद लिया, आपको मोबाइल पोस्टमार्टम में इसके बारे में बताया भी था, मोबाइल एक्सेसिबिलिटी वर्कशॉप के 75वें यानी 75th एपिसोड में भी इस फ़ोन के बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी। और आप कहेंगे कि यार वो मोबाइल पोस्टमार्टम का क्या हुआ सर जी? दोस्तों, मैं भूलता कुछ भी नहीं हूँ, बस वही है कि परिस्थितियाँ थोड़ी सी विपरीत हैं, उसको भी आगे बढ़ाना है। चलिए, तो बात करते हैं फिलहाल Realme X7 Max, मैंने 16 जुलाई 2021 को ख़रीदा, फ़ोन ख़रीद लिया, फ़ोन में चला भी रहा था, फ़ोन से मैं काफ़ी हद तक सेटिस्फाइड भी था, फ़ोन भी बहुत अच्छा है नो डाउट, और इस वक्त भी उसी फ़ोन से रिकॉर्डिंग जैसा कि मैंने बताया कर रहा हूँ। तो हुआ ये कि अक्टूबर 2021 में पहली बार एक समस्या मेरे सामने आई। वो समस्या ये कि मैं गुजरात गया हुआ था, और गुजरात से लौटते समय पता नहीं कैसे ये फोन चलते चलते बंद हो गया। बहुत कोशिश की, नहीं चला, फिर अपने आप चल पड़ा, रिस्टार्ट हो गया,
मैंने कहा यार हो सकता है कोई कहीं गाड़ी में इधर उधर गिरा हो, टकराया हो, कुछ हुआ हो, झटके लगे हो, तो मतलब इग्नोर कर दिया उस चीज को। लेकिन ये समस्या दोस्तों बढ़ती ही चली गई, बढ़ती ही चली गई, बढ़ती ही चली गई। आए दिन फोन बंद हो जाए, इंपॉर्टेंट टाइम पर जब मुझे इस फोन की आवश्यकता है तब भी बंद हो जाए। और मैंने कहा भाई ये तो बहुत गड़बड़ है, ऐसे कैसे काम चलेगा। जैसे तैसे दोस्तों मैंने उसके बाद 10-15 दिन निकाले, और मैं इसको इस बार मैंने वो सैमसंग वाली गलती नहीं की। जब मेरा सैमसंग का फोन खराब हुआ था तो मैं सर्विस सेंटर नहीं गया था। ये सब बातें जो हैं दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं बता रहा हूं कि एक एक बात, भले ही इसमें अभी आपको टेक्नोलॉजी कुछ नहीं सिखा रहा हूं, लेकिन अच्छा एक बात और कि शुरू में जब हमारी मोबाइल एक्सेसिबिलिटी वर्कशॉप जब हम लेकर के आते थे तो एक ऑडियो 1 घंटे का होता था। बहुत सारे लोगों को अच्छा भी नहीं लगा, लेकिन फिर भी हमें लगा कि बात करनी है तो विस्तार से करेंगे। ये क्या मतलब है कि कोई भी टॉपिक उठा लिया, 5 मिनट 4 मिनट का वीडियो बना करके डाल दिया जल्दी जल्दी में, पता नहीं हवा में उड़ते हुए। तो खैर, तो मैंने अपने सर्विस सेंटर पे सैमसंग के फ़ोन को नहीं डाला था और वो गलती मुझे बहुत भारी पड़ी, बेला बहरा। तो यहाँ पर मैंने सर्विस सेंटर को ढूंढा, सर्विस सेंटर गया भी, और सर्विस सेंटर पे जाने के बाद उन्होंने कहा भाई इसको फॉर्मेट करना पड़ेगा। मैंने कहा यार मैंने तो डेटा अभी सेव नहीं किया है, मैं लेके आया वापस, मैंने उसको डेटा को सेव किया। मैंने कहा ठीक है भाई करो फॉर्मेट, क्या कर सकते हैं अब। तो जब उनके पास मैं छोड़ के आया दूसरे दिन, फॉर्मेट किया, उन्होंने कहा हो सकता है फॉर्मेट वॉर्मेट करने से, हार्ड रीसेट करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकर के आए वापस वो की वही प्रॉब्लम। अच्छा कंपनीज या सर्विस सेंटर पे क्यों जाना ज़रूरी रहता है और क्यों हमें बहुत सेंसिटिव रहना चाहिए इन मामलों में। अब ये फ़ोन 30,000 का फ़ोन था और 3 महीने 4 महीने में ही अगर ये इस तरह की हरकत करे, खराब हो जाए, तो फिर बताइए आप कितना दिल दुखेगा। तो सर्विस सेंटर वालों ने दे दिया। मैंने फिर उनसे कांटेक्ट किया कि साहब आपने फॉर्मेट भी कर दिया, सब कुछ हो गया, लेकिन फोन तो वहीं का वहीं, प्रॉब्लम वहीं की वहीं। अब उन्होंने ये कहा कि ये सर हार्डवेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम है। और उन दिनों दोस्तों हम दाहोद कन्वेंशन की तैयारियां कर रहे थे, दाहोद कन्वेंशन के लिए जाना भी था, तो अपना फोन मैं 5-7 दिन के लिए नहीं छोड़ सकता था। आखिरकार वहां से आने के बाद फिर पीछे पड़ा, मैं सर्विस सेंटर गया और मैंने तो उनको एक ही बात कही भाई मेरे को फोन रिप्लेस करके दो। उन्होंने कहा ऐसी पॉलिसी नहीं है, हम फोन रिप्लेस करके नहीं दे सकते। और मैं अपनी पूरी तैयारी के साथ गया था, ऑर्डर नंबर और बिल और ये वो सब कुछ लेकर के गया था। मैंने कहा 6 महीने भी नहीं हुए, अगर गारंटी वारंटी जो भी है होगी तो कितनी कम होगी। ये सारी कहानी आपको सुनानी बहुत जरूरी है, और क्यों सुनानी जरूरी है अभी बताऊंगा उसका भी मैं कारण। तो फिर आखिरकार बात इस पर बैठी कि सर हम इसका जो क्या बोलते हैं आप उसको मदरबोर्ड, यस मदरबोर्ड इसका चेंज कर देते हैं। मैंने कहा सर मदरबोर्ड चेंज करने से तो खैर एकदम फोन मतलब एक तरह से नया जैसा हो जाता है, फोन में जो कुछ है वो मदरबोर्ड ही तो है। तो उन्होंने कहा ठीक है। मैंने कहा लेकिन पैसे नहीं दूंगा मैं कुछ भी। उन्होंने कहा नहीं पैसे आपके नहीं लगेंगे। फिर भी मैंने अपनी जिज्ञासा के लिए पता किया तो मदरबोर्ड की कीमत थी 18,000 रुपये। लेकिन अजमेर में जो सर्विस सेंटर है उनका रवैया बहुत अच्छा रहा दोस्तों हमारे साथ में, और उन्होंने बहुत ही पोलाइटली सारी बात को समझा भी, प्रॉब्लम को भी समझा, और मेरे फ़ोन को रख लिया और कहा कि हम आपको मदरबोर्ड चेंज करके देंगे, जो भी फॉर्मेलिटीज होती है वो हो जाएंगी। और दिसंबर में मुझे ये फ़ोन मिला मदरबोर्ड चेंज होने के बाद। कुल मिलाकर के दोस्तों कहना ये चाह रहा हूं कि जुलाई 2021 में फोन खरीदा और दिसंबर में जाकर के कहीं मेरी वो जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हुई।
यानी मदरबोर्ड चेंज होने के बाद मुझे अब अप्रैल महीना चल रहा है, लेकिन अभी तक वो प्रॉब्लम नहीं आई है। अब ये प्रॉब्लम नहीं आई है तो आज ये कहानी क्यों सुना रहा हूं। जब ये फोन ठीक होकर के आया पूरी तरह से दोस्तों, और अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो कहा था ना, मेरे धैर्य की दाद देनी पड़ेगी आपको। इस बीच में मेरा सैमसंग का फोन भी मैंने ठीक करवा लिया था, उस पर भी मदरबोर्ड डलवा लिया था, तो मेरा काम उसी फोन से चल रहा था। सैमसंग का फोन यूज कर रहा हूँ आज भी, अभी भी है जेब में, और अभी इस रियलमी वाले फोन से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो हुआ ये कि मैंने ये सोचा कि इस मोबाइल एक्सेसिबिलिटी वर्कशॉप हमने किस उद्देश्य से शुरू की थी। शुरू में मैंने बताया, हमने ये सोचा था कि बिल्कुल फोन अगर कोई खरीदता है, कोई भी हमारा दृष्टिबाधित साथी अगर फोन खरीदता है, तो उसको क्या दिक्कतें आ सकती हैं, वो कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े, यानी बिल्कुल फोन को रिबूट करने से लेकर के अच्छी तरह से यूज करने तक मैं पूरी जो प्रोसेस है उसको स्टेप बाय स्टेप अपनी इस मोबाइल एक्सेसिबिलिटी वर्कशॉप में प्रस्तुत करूं। लेकिन दिसंबर में फोन मेरे हाथ में आ गया, दिसंबर निकल गया, जनवरी, फरवरी, मार्च, और अब अप्रैल में जा करके आज 2 अप्रैल को ये अवसर मिला है मुझे कि मैं आपके लिए अब ये सीरीज रिज्यूम कर रहा हूं। लेकिन दिसंबर से लेकर के आज तक इस फोन को ना तो मैंने अपडेट किया। भाई जब मदरबोर्ड डलेगा तो फोन नया जैसा हो जाता है ना, उसके बाद फोन के एप्स वगैरह को सबको अपडेट करना होता है, ना ही मैंने इसमें कोई एप्स इंस्टॉल किए, ना ही मैंने कुछ और इसमें किसी तरह का लॉगिन किया, कुछ किया। बहुत मजबूरी आई दोस्तों, बहुत इमरजेंसी आई, जब मुझे इस फोन का इस्तेमाल करना पड़ा तो मैंने 2-3 काम किए इसमें। एक तो मेरी एक ईमेल आईडी डाल दी ताकि कुछ यूट्यूब मुझे चलाना था, तो वो यूट्यूब चलाने के लिए मुझे ईमेल आईडी अपनी डालनी पड़ी, तो उससे मैंने प्ले स्टोर पर ईमेल आईडी डाल करके रजिस्टर कर लिया। और हाईक्यू MP3 रिकॉर्डर में ये मैं आज रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो बस इस ऐप को मैंने अपने कंप्यूटर से इस फ़ोन में कॉपी करके इंस्टॉल किया, सिर्फ इस वजह से ताकि मैं ये काम कर सकूँ। बाकी मैंने रिकॉर्डिंग क्लब का जो ऐप है वो इंस्टॉल किया इसमें, वो क्योंकि कई बार ऐसी दिक्कत आ जाती है जब हम कुछ अपडेट करते हैं या कुछ अपलोड करते हैं तो उसको चेक करना होता है, क्रॉस चेक करना होता है। ये 3-4 काम किए दोस्तों, इसके अलावा कुछ भी किसी भी तरह की सेटिंग मैंने इसमें नहीं की। हाँ, एक ऑटो रोटेट वाला जो ऑप्शन होता है वो भी मैंने ऑफ किया इसमें, बाय डिफॉल्ट वो ऑन रहता है, जिसमें आपका फोन जिधर घुमाओ उधर वैसा हो जाता है। तो अब आप बताइए कि 4 महीने से मेरे इस फेवरेट फोन को मैं यूज करना चाह रहा हूँ, और सैमसंग को सेकेंडरी फोन बनाना चाह रहा हूँ, रियलमी को प्राइमरी बनाना चाह रहा हूँ, लेकिन समय के अभाव में, टाइम नहीं मिल पाने की वजह से अभी प्राइमरी फोन है सैमसंग और सेकेंडरी फोन है ये रियलमी। लेकिन अब आज अवसर मिला है इस अप्रैल महीने के बाद, और कहीं ना कहीं 20-22 मई के बाद हमारी छुट्टियां भी होंगी, तो तब तक मुझे लगता है वापस मैं इस फोन का पूरी तरह से इस्तेमाल करना प्रारंभ कर दूंगा। लेकिन अब चूंकि आज बातचीत शुरू हुई है तो अब वापस जीरो से शुरुआत करते हैं। और अब जैसा कि मैंने आपको बताया, ईमेल आईडी तो मैं डाल चुका हूँ, मेरा फोन रजिस्टर हो चुका है। ईमेल आईडी डालने के बाद कोई भी फोन स्टाफ बटन आपको पता है कि वर्किंग में आ जाता है। बैक होम तो बटन सिस्टम ये लॉन्चर देखिए, गूगल डेट एंड वेदर टीटीएस मैंने ऑन सैटरडे कर रखा, अप्रैल मतलब सेकेंड टॉकबैक जब ऑन करते हैं, बाय डिफॉल्ट जो टीटीएस बोलता है वही इसमें इस वक्त चल रहा है। तो सबसे पहला काम, मैं बातचीत भी करता जाऊंगा आप सबसे, वो ये करूंगा कि प्ले स्टोर में जाकर के जितने भी एप्स मुझे अपडेट करने थे उनको मैं अपडेट ऑल पे असिस्टेंट फोटोज डाल दूंगा। मैसेजेस टू प्ले स्टोर हैज वन बाकी नोटिफिकेशन इसमें हम बात करते जाएंगे आगे से आगे। अब प्ले स्टोर में जाते हैं हम, फिर आगे की बात करते हैं। प्ले स्टोर सिलेक्टेड प्ले फॉर स्टोर यू में हेडिंग आजकल जो शोइंग आइटम्स सिस्टम वन है टू वो फोर काफी फाइव
चेंज हो गया है। तो राइट हैंड साइड में ऊपर ही ऊपर कॉर्नर में सीधे हाथ की तरफ बिल्कुल ऊपर जहां हमारा ईयर पीस वाला हिस्सा होता है, यानी फोन को अगर आप अपने मुंह के सामने रखोगे तो सीधे हाथ की तरफ ऊपर कोने में आपको लिखा हुआ आएगा View your notifications, battery status bar, view your notification, selected, for you, top charts, kids, view your notification, account and settings, इसमें गए अकाउंट एंड सेटिंग में, तो इसमें नीचे आएगा एक मैनेज एप्स एंड डिवाइस मैनेज एप्स एंड डिवाइस। आपको बाकी किसी पर ध्यान नहीं देना है यहाँ पर फिलहाल, मैनेज एप्स एंड डिवाइस में जाना है। Signed in as manage apps and device in list. Manage apps and device. Play store. Navigate अब up. यहां पर button, भी आपको out of इधर list. ही टॉप राइट यानी सीधे हाथ की तरफ बिल्कुल ऊपर ही ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा अपडेट ऑल। बहुत सारे ऐप हैं। No harmful apps. Updates available. 34 updates pending. 34 अपडेट पेंडिंग हैं बताइए, 34 ऐप। मैं बता रहा हूं ना दोस्तों, ये फोन जब से मेरे पास मदरबोर्ड डल के आया है, ये 18,000 का मदरबोर्ड इसमें डला फ्री ऑफ कॉस्ट, एक रुपया भी मेरा खर्च नहीं हुआ। अपडेट ऑल अब मैं बटन अपडेट ऑल पे क्लिक कर रहा हूँ, तब से मैंने कुछ भी अपडेट नहीं किया, और ये अपडेट ऑल करते ही गूगल टीटीएस भी अपडेट हो जाएगा। नेविगेट अप अपडेट नो हार्मफुल एप्स अपडेटिंग एप्स 30 सी डिटेल्स बटन। अब सी डिटेल्स में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से ऐप अपडेट हो रहे हैं, पेंडिंग डाउनलोड्स, और यहाँ पर ये सारे ऐप एक के बाद एक। कैंसिल ऑल बट एप्स एप्स थर्ड अमेज़न इंडी एंड्रॉइड एक्सेस। ये बाय डिफॉल्ट जो ऐप आ रहे हैं इसमें, ये मैंने कुछ भी इंस्टॉल नहीं किए, ये बाय डिफॉल्ट है। मैंने तो जो बता दिया आपको, रिकॉर्डिंग क्लब का ऐप इंस्टॉल किया या फिर बैक होम बट हाई क्यू। यहां से मैं अब होम दबा करके बाहर आ गया, यानी मैंने एक तरह से इस प्ले स्टोर को मिनिमाइज कर दिया है। हो सकता है कि जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस बीच में गूगल टीटीएस भी अपडेट हो जाए और उसकी आवाज भी कहीं चेंज हो जाए। तो ये सारी कहानी दोस्तों सुनाने के लिए आप सोचिए, मैं दिसंबर महीने से यानी पिछले 4 महीनों से इंतजार कर रहा हूं, और ये जुनून है दोस्तों और कुछ नहीं है, केवल इसलिए कि हमारा कोई साथी, हमारे कोई वरिष्ठ साथी, बुजुर्ग साथी, फोन की आवश्यकता किसी नहीं होती है। अगर खरीद करके ला रहे हैं, अपने परिवार के किसी भी सदस्य से या किसी भी अपने परिचित से उन्होंने ईमेल आईडी अपनी डलवा करके या ईमेल आईडी बनवा करके फोन को एटलीस्ट ऑन कर लिया है, तो उसके बाद वो क्या करें, मुद्दा यही है। अब रियलमी का हमारा जो ये फोन है ये बिल्कुल नया है, मेरे हाथ में है, और आज कोई सी भी कंपनी का फोन हो लोग यूज कर रहे हैं। मैंने देखा ब्लाइंड हमारे साथी वन प्लस का भी फोन यूज कर रहे हैं, ओप्पो का भी यूज कर रहे हैं, रियलमी का भी कर रहे हैं, वीवो का भी कर रहे हैं, रेडमी का फोन भी इस्तेमाल में ला रहे हैं, सैमसंग तो खैर है ही सबके पास। तो यहां तक कि मैंने किसी किसी साथी को तो इन्फिनिक्स का फोन भी यूज करते हुए देखा दोस्तों। अब सोचिए अब हमें क्या करना चाहिए, आज इतने ऑप्शन हैं, पोको और ये आई क्यू भी आजकल एक नई कंपनी आ गई है। तो इस तरह से जितने फोन हैं, हमें तो जरूरत है कि अब थोड़ा सा नए तरीके से सोचने की आवश्यकता है। आज के 2-3 साल पहले जब ये वर्कशॉप शुरू हुई थी हमारी, मैं खुद ये कहता था कि भाई सैमसंग जैसी एक्सेसिबिलिटी किसी की नहीं है, और कुछ महान आत्माओं ने तो ये तक कहा कि भाई संदीप जी सैमसंग का प्रचार कर रहे हैं, सैमसंग से संदीप जी को कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है। बताइए संदीप का फोन बेचारे का सैमसंग का खराब हो गया, वही सैमसंग ठीक करके नहीं दे सका, लेकिन खैर ये अलग मुद्दा है। तो अब जरूरत आ गई है दोस्तों कि हम अपने बजट को देखते हुए, अपनी आवश्यकताओं को देखते हुए, और सबसे बड़ी बात जो फीचर्स, जो सुविधाएं, जो फंक्शन हमें बाकी कंपनीज दे रही हैं, उनके बारे में सोचने की आवश्यकता है। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि ज़रूरी नहीं है कि आज की तारीख में आप सैमसंग का ही फ़ोन इस्तेमाल में लाएं। आप जितनी भी कंपनीज के मैंने ऊपर नाम लिए हैं उनमें से कोई सा भी फ़ोन अगर आप लेते हैं,
ये बात बड़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फिर भी अक्सर हमको लोग ये पूछते हैं कि भाई क्या खरीदें, कौन सा फ़ोन खरीदें। तो अगर आप कुछ भी खरीदते हैं, तो किसी तरीके से अगर आप अपने दोस्तों की मदद से, YouTube की मदद से, इस तरह के वीडियोस जितने भी साथियों ने हमारे बना रखे हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की है, चाहे मोबाइल एक्सेसिबिलिटी वर्कशॉप हो या और भी जिनके भी चैनल्स चलते हैं, अगर कहीं से भी आप मदद ले रहे हैं तो आप फ़ोन को चला सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो आवश्यकता यही है कि आपको डिसीज़न लेना है, बस उसमें देरी नहीं करनी है। पता चला कि आप डिसीज़न लेने में भी देरी अगर कर दें तो फिर नुकसान कहीं ना कहीं आपका है। और इन कंपनीज़ में ये फ़ायदा है कि जहाँ सैमसंग का एक अच्छा फ़ोन, मज़बूत टिकाऊ फ़ोन आमतौर पर थोड़ा महंगा होता है, इन फ़ोन जो बाकी की कंपनीज हैं उनके फ़ोन आपको थोड़े कम रेंज में भी अच्छी सुविधाओं के साथ मिल जाते हैं। तो अब आप सबके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो रही होगी दोबारा से एक बार इस रियलमी X7 Max, जिसकी भाई सर इतनी बात कर रहे हैं, इतनी तारीफ कर रहे हैं, इसकी बात कर लें जरा। तो मैं अपनी तरफ से तो जो बताऊंगा वो आपको बताऊंगा ही, लेकिन फिलहाल हम इस फोन में क्या कुछ बताया गया है इसके लिए उसी की बात कर लेते हैं। अच्छा, इस फोन में कुछ शॉर्टकट्स, और बल्कि मेरे ख्याल से इस फोन में ही नहीं बल्कि आजकल हर फोन में कुछ शॉर्टकट्स बाय डिफॉल्ट आ रहे हैं, उनका इस्तेमाल भी करें और काम को अपने इजी बनाएं। जैसे अभी देखिए, अब मैं आपको अबाउट फोन बताना चाह रहा हूँ, यानी अबाउट फोन यानी फोन के बारे में, फोन में क्या क्या है। हमारे फोन की यानी किसी भी फोन की सेटिंग में ये ऑप्शन होता है, तो जाहिर सी बात है हमको सेटिंग को खोलना है। सेटिंग को ओपन करने के दो तरीके हैं। पहला तो आप ऐप्स में जाएं। अब उसमें समस्या ये कि आजकल के जितने भी फोन आ रहे हैं उसमें आपको ऐप बटन अलग से नहीं मिलता है, वो आपको कहीं ना कहीं से एडजस्ट करना पड़ता है, उसका शॉर्टकट बनाना पड़ता है। ये देखिए, अभी गूगल TTS अपडेट हुआ और टॉक बैक ऑन बोल दिया इसने, तो वो आपको करना पड़ता है। और इसके अलावा नेविगेशन ड्रॉअर में जा करके, सॉरी, नोटिफिकेशन ड्रॉअर में जा करके आप सेटिंग को ओपन कर सकते हैं। तो फिलहाल 1756 हम जो एक शॉर्ट डिवाइस तरीका अनलॉक है, Play Store अभी has मैंने one आपसे बात की notification. कि Double tap to activate. कुछ Double tap and hold to long press. शॉर्टकट्स ऑलरेडी Actions होते हैं, available. जैसे Swipe रियलमी up के then फ़ोन में right to आजकल, view. रियलमी Play के Store फ़ोन में, has two notifications. Double tap to activate. रियलमी के फ़ोन में Nav bar, आजकल home button. बहुत सारे शॉर्टकट्स Double आ रहे tap to हैं। activate. Double tap and अब ये hold to क्योंकि long मैंने press. टॉकबैक की सेटिंग नहीं करी है ना दोस्तों, इसलिए ये सब तो बोलना चालू रहेगा ही गूगल TTS का। आपको थोड़ी थोड़ी दूरी पर दो फिंगर, हाँ आप समझ लीजिए कि आपने अपने फ़ोन को वही अपने मुंह के सामने, फेस के सामने रखा है, और दो फिंगर्स आपने बीच में एक फिंगर जितनी दूरी छोड़ देनी है, और ऊपर से यानी कान वाला जो हिस्सा है जिधर फ़ोन को कान Screen में off. लगाते हैं Ringer हम, vibrate. वहाँ से 17. नीचे की तरफ लेकर के आए, System launcher. ठीक Choose. है, नीचे की तरफ लेकर के आएंगे तो Google Keep. नेविगेशन Notes ड्रॉर and links. खुलेगा, ये शॉर्टकट है। Quick settings. ये आ गया 1757. क्विक सेटिंग। Out of list. अब यहाँ पर राइट साइड में Double ऊपर tap ही to ऊपर ओपन activate. सेटिंग, Battery status bar item remaining battery 84%. क्विक सेटिंग Nav को bar. एक्चुअली दो बार मैंने क्लिक, Notification shade. नोटिफिकेशन Battery शेड आ गया, status ठीक bar है, up. Open settings. ओपन सेटिंग आ Button. रहा है, ऊपर ही ऊपर Double सीधे tap to हाथ की activate. तरफ ओपन सेटिंग आ रहा है, जबकि मैंने नेविगेशन नोटिफिकेशन सेटिंग को खोला है। चलिए Settings. इसमें गए, Settings. अब Settings. इसमें Double आपको tap to लास्ट में जाना activate. है स्वाइप करते हुए, दो उंगलियों से हम स्वाइप करेंगे नीचे से ऊपर की तरफ, यानी जो माउथ पीस वाला हिस्सा है उससे ईयर पीस वाले हिस्से की तरफ, जिधर से हम बोलते हैं उस हिस्से से कान वाले हिस्से की तरफ हम दो उंगलियां थोड़ी थोड़ी दूर रख के उसको ऊपर की तरफ स्वाइप करेंगे, और लास्ट में हम जाने का प्रयास करेंगे। लास्ट में हम Software update. Nav bar. आ रहे हैं About Realme Lab. About phone. अबाउट Double tap फोन, to active. Realme Lab. About phone. अबाउट फोन में Double चलते tap हैं। to
Software. About Realme Lab. About phone. About phone. About phone. Device name. Realme X7 Max. Row 1. Column 1. सबसे पहला बताया इसने डिवाइस नेम. और वो क्या बताया? Google Duo. Realme X7 Max. डिवाइस नेम क्या बताया? Realme X7 Max. Messages. ठीक है. Version. Base. About. Version. Base. Device. About phone. Version, baseband and about phone, device name, Realme X7 Max, row 1, उसके बाद? Version, baseband and kernel, column 2. अब ये वर्जन है इसमें, हम आपको इस फोन के बारे में बता रहे हैं, Realme के बारे में, जो कि इस फोन में Message, खुद में जो कुछ A-G-R-E-G-I-N-F, information दी हुई है. Realme UI version, V2.0, row 2, Realme column 1. UI version. Android version, 11, column 2. Android version जो है इसका 11 है, जब से ये आया है. तब से 11 है, अभी इसमें 12 का अपडेट नहीं आया होगा मेरे ख्याल में, अभी देख लेंगे, वो भी एक अलग ऑप्शन है. प्रोसेसर Dimensity 1200 octa-core. हाँ, एक बात और, इसमें जो प्रोसेसर है वो Dimensity 1200 MediaTek का है ये, तो प्रोसेसर पर भी बात करेंगे. मैंने सैमसंग का एक्जिनोस भी यूज़ किया है और स्नैपड्रैगन भी यूज़ किया है और MediaTek का भी इस वक्त यूज़ कर रहा हूँ, तो वो भी उस पर भी चर्चा करेंगे. लेकिन इसमें अलग प्रोसेसर है, जो कॉमन प्रोसेसर है या जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है वो स्नैपड्रैगन है. तो चलिए, रैम 12.0 गीगाबाइट्स प्लस 3.0 रैम इसमें 15 GB की है दोस्तों. कैसे? इसमें बोल रहा है 12 प्लस 3, यानी 12 GB की तो रैम इसमें है और 3 GB की वर्चुअल रैम भी है. यानी अब वो कैसे, इस फोन की जो इंटरनल मेमोरी है वो 256 GB की है, तो उसमें से जरूरत पड़ने पर अगर अगर ये खत्म हो जाती है, 12 GB की रैम यूज कर लेते हैं हम, तो वहां से 3 GB की वर्चुअल रैम और बनाई जा सकती है, इसलिए इसमें 15 प्लस 256. चलिए आगे चलते हैं. स्टोरेज 232 GB अवेलेबल. अब ये 256 GB टोटल रो 4. डिवाइस स्टोरेज बताया इसने, यानी फोन में मेमोरी जो है टोटल 256 GB की है. 24 GB सॉफ्टवेयर के लिए इस्तेमाल में लाई गई है, तो आप 232 GB का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि क्वाइट इनफ. लीगल इन्फॉर्मेशन यूजर अग्रीमेंट. लीगल इन्फॉर्मेशन से हमें कोई लेना देना नहीं. मॉडल RMX3031 रो 5. ये मॉडल है RMX3031. सिम कार्ड स्टेटस सिम 1 SIM 1 सिम 2 नो सिम कॉलम 2. सिम 1 में सिम है, सिम 2 में नहीं है. स्टेटस IMEI एंड IP रो 6 कॉलम 1. IMEI नंबर अगर देखना हो तो रेगुलेटरी कॉलम 2. ये भी कुछ टेक्निकल चीजें हैं. नेविगेट अप अबाउट. ये है अबाउट फोन की पूरी जानकारी. इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस फोन में के साथ जो है वो 65 वॉट का चार्जर आया है, लेकिन यह फोन 50 वॉट तक की चार्जिंग स्पीड को अलाउ करता है और इस फोन में 4500 mAh की बैटरी है. इस फोन में रिवर्स चार्जिंग का भी ऑप्शन अवेलेबल है. मान लीजिए जैसे कि मेरा जो फोन Netflix. है सैमसंग M30S, उसकी 6000 mAh की बैटरी है और कहीं पर मैं चाहूँ इमरजेंसी में तो इस सैमसंग के फ़ोन में USB लगा करके OTG के थ्रू इस Realme के फ़ोन को भी मैं इमरजेंसी में चार्ज कर सकता हूँ अगर कभी ऐसी नौबत आ जाए तो. वो भी है और लैपटॉप वगैरह से भी इसको चार्ज किया जा सकता है. वो ज़्यादातर फ़ोन में रहती है, कोई ऐसा नहीं कि मैं कोई आपको बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, कोई नई बात बता रहा हूँ, बस ये बात चल रही है. एक बात जो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है, खासकर मतलब ब्लाइंड व्यक्ति के लिए, जो जिस पर विशेष मेरा ध्यान जाने वाला है गया है, वो ये कि इसमें स्टीरियो स्पीकर्स हैं. दो स्पीकर हैं इसमें, ज़्यादातर फ़ोन में एक स्पीकर होता है लेकिन यहाँ पर दो स्पीकर हैं, डबल स्पीकर है, तो ये भी हमारे लिए बहुत ही एक लाभदायक बात है और मुझे बड़ा फ़ायदा मिला पर्सनली दोस्तों. मेरे सैमसंग के फ़ोन के साथ जब मैं कंपैरिजन करता हूँ तो उसकी आवाज़ से कम इसका जो वॉल्यूम है वो 70 गुना तेज है, मैं ऐसा कह सकता हूँ. तो ये चीज़ें हैं. अब इससे बाहर आते हैं, अभी हम फोन की बैक बटन सेटिंग में अबाउट फोन में थे. अब अबाउट फोन के जस्ट ऊपर
सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर अपडेट आ रहा है, तो इसको देख लेते हैं जरा, इसमें कोई अपडेट तो नहीं आया हुआ है। सॉफ्टवेयर अपडेट, नेविगेट अप, सॉफ्टवेयर अप, सॉफ्टवेयर अपडेट सेटिंग्स, वेब व्यू, एंड्रॉइड 11, हेडिंग 1, ऑफिशियल वर्जन, वर्जन अप टू डेट द 13th ऑफ जनवरी 2022, हेडिंग 2, RMX 3031 under about this update. This release updated Android update log. Security. Filled circle update system. Filled circle fix album. Filled circle to view more HTTP must know 1 2 3 navigate up software update. Software update settings. Software update. Auto download, Wi-Fi, auto update overnight, off, switch, 1, promptly update your device, navigate, software update settings, trial version, 2 of, hot 1, promptly, auto, trial version, 2 of 10, auto update overnight, तो off, मेरे ख्याल से 1, कोई software update अभी आया हुआ है नहीं, software, trial, nav, वही मैं देखने की कोशिश update, कर रहा हूँ, update log, देख लेते हैं। Security update, update log, secure update log, software, software up, software update, software update settings. 3. If you encounter 3. If you encounter यानी any ऐसा लग रहा है to view more help system. जो सॉफ्टवेयर था वो ऑलरेडी अपडेट किया जा चुका RMA, है। Android इस सॉफ्टवेयर अपडेट की Android 11 heading 1 official version, version up to date RMX official version, version up to date the 13th of January 2022 heading 2. चलो ये कह रहा है कि भाई अपडेट ये 13 जनवरी 2022 से अपडेट है, तो हम यहां से भी बाहर आ जाते हैं। Hey users, hey Google, software about phone. अब दोस्तों चूंकि हम फोन की सेटिंग में ही हैं, तो कुछ और बात करें उससे पहले मुझे लगता है कि जो इसका सॉफ्टवेयर अपडेट है collapsed messages, collapsed ask away, yes, collapsed, yes, battery theme at discounted price, collapsed personal hotspot, collapsed messages 25 off, battery status, batteries open settings. तो शुरू से जो इसके फंक्शन है फोन के, उन्हीं के बारे में हम अगर बात कर लें तो कैसा रहे, तो चलते हैं सेटिंग में और जो जो मेरे लिए जरूरी है, क्योंकि भाई मैंने जैसा कि बताया मुझे इस फोन को यूज भी करना है, Realme वाले फोन को। settings, सबसे पहले सेटिंग में आ गए, सर्च से फिलहाल कोई मतलब नहीं है। Added system cloner, use separate हमारे system कई सारे साथियों ने ये कहा भी था उस समय कि सर ये Realme का फोन लिया है तो इसके बारे में भी स्टेप बाय स्टेप बताना, क्या बताएं दोस्तों, कहानियां सब उल्टी पुल्टी हो गई। अब देखिए आप जुलाई से लेकर के अप्रैल आ गया, करीब करीब 10 महीने हो गए और अब जाकर के ये अवसर मिल रहा है कि मैं आपको इस फोन के बारे में बता पा रहा हूँ। और 10 महीने तो छोड़िए, 10 दिन में यहाँ तो टेक्नोलॉजी बदल जाती है। अब ये साइन इन टू यूज सर्विसेज को मैं फिलहाल नहीं छेड़ रहा हूँ, सिम कार्ड एंड मोबाइल डाटा, सिम कार्ड और मोबाइल डेटा को भी मैं नहीं छेड़ रहा हूँ फिलहाल, सिम इसमें लगी हुई है, मोबाइल डेटा ऑन है, वाईफाई नॉट कनेक्टेड, वाईफाई को भी नहीं छेड़ रहा हूँ, अगर ये ऑन है तो मैं ऑफ कर देता हूँ, देखते हैं एक बार, वाईफाई चेक्ड ऑन, ऑन है ये, मुझे ऐसा लगा तो इसलिए मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, मैंने ऑफ कर दिया है। नैव बार बैक settings, Wi-Fi, Bluetooth off, Bluetooth already double off है, connection and sharing, connection and double sharing में भी हम नहीं जाएंगे, personalizations, personalization में देख लेते हैं इसमें क्या क्या है, personalization, double tap to, don't allow button, allow button, allow personalizations to access photos and media on your device. अब इसने personalization को दोस्तों ऑन करते ही मुझे पूछ रहा है कि क्या आप अलाउ करना चाह रहे हैं या नहीं, तो मैं अलाउ पे क्लिक कर देता हूँ। अलाउ बटन, पर्सनलाइजेशंस, नेविगेट अप बटन, डबल पर्सनलाइजेशन, थीम्स, थीम्स से अपने को कोई लेना देना नहीं है, वॉलपेपर्स, वॉलपेपर से भी कोई लेना देना नहीं है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले,
डबल ऑलवेज टैप टू ऑन एक्टिवेट डिस्प्ले को भी फिलहाल मैं नहीं छेड़ रहा हूँ, आइकॉन स्टाइल्स, आइकन डबल टैप स्टाइल्स टू को भी मैं नहीं एक्टिवेट छेड़ रहा हूँ, ऐप लेआउट, ऐप डबल लेआउट टैप को टू भी मैं नहीं एक्टिवेट छेड़ रहा हूँ। रो वन कॉलम वन कॉलम टू कॉलम थ्री कॉलम कॉलम रो टू कॉलम 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 फोर ये बताने की डबल कोशिश टैप कर रहे टू हैं कि आपकी एक्टिवेट जो ऐप्स की रो हैं वो कैसी होंगी, कॉलम फाइव रो कॉलम थ्री कितने कॉलम होंगे। कॉलम रो फोर कॉलम कॉलम फोर कॉलम रो फाइव कॉलम कॉलम रो सिक्स कॉलम 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 फिंगरप्रिंट एनिम कलर्स तो डबल टैप टू ये एक्टिवेट फिंगरप्रिंट एनिमेशन का आ गया है ऑप्शन, इसको हम देखते हाँ हैं। रोबोटो कलर्स फिंगरप्रिंट एनिमेशन डबल बाहर से टैप टू खोलो, एक्टिवेट बाहर से खोलो, अच्छा उधर से बोल नहीं यहीं से, अच्छा यहीं से। तो फिंगरप्रिंट एनिमेशन को भी हम कलर्स नहीं देख रहे, कलर्स को भी डबल नहीं देख टैप रहे। हाँ रोबोटो हाँ नोटिफिकेशन ड्रॉअर डबल टैप टू नोटिफिकेशन एक्टिवेट ड्रॉर एज लाइटिंग क्या कहना चाह रहा है, मैं डबल इसको टैप एक बार चेक नोटिफिकेशन कर लेता ड्रॉअर हूं। सिस्टम यूआई नोटिफिकेशन ड्रॉअर डबल नेविगेट अप शेप अनलेबल्ड बटन रो वन अनलेबल्ड काफी बटन सारे कॉलम अनलेबल थ्री बटन हैं क्योंकि अभी टॉकबैक डबल की टैप सेटिंग टू में जाके एक्टिवेट मैंने अनलेबल्ड को अनलेबल्ड लेबल्ड बटन करने वाला रो ऑप्शन टू ऑन नहीं किया कॉलम है। वन अनलेबल्ड बटन अनलेबल्ड नोटिफिकेशन नेविगेट अप नैव बार बैक चलो बैक आ जाते हैं, नोटिफिकेशन को पर्सनलाइजेशन समझ में नहीं ऐप आया। लेआउट ऐप डबल टैप लेआउट टू को भी छोड़ एक्टिवेट देता हूं। रो वन कॉलम 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 रो कॉलम टू हाँ रोबोटो नोट हाँ रोबोटो नोटिफिकेशन एज लाइट पर्सनलाइजेशंस चलिए कुल मिलाकर के एज लाइनिंग को भी फिलहाल मैंने छोड़ दिया है। तो नैव ये बार बैक पर्सनलाइजेशन था जिसमें हमारे लिए कुछ सेटिंग खास उपयोगी पर्सनलाइजेशंस काम इन लिस्ट नहीं था, डबल टैप टू इसीलिए एक्टिवेट ज़्यादा इस पर हमने ध्यान नहीं दिया। और अब आगे बढ़ते हैं। होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन एंड ऑलवेज ऑन डिस्प्ले होम स्क्रीन डबल पर्सनलाइजेशन पर्सनलाइजेशन के बाद अगला ऑप्शन डबल आ रहा है, टैप टू होम एक्टिवेट होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन एंड ऑलवेज ऑन डिस्प्ले होम स्क्रीन डबल लॉक टैप टू स्क्रीन एंड एक्टिवेट ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, इसके अंदर क्या क्या है देख लेते हैं। सिस्टम ये आप लॉन्चर सबके फोनों में भी नेविगेट ये अप सब फंक्शन तो बटन होंगे, आउट कोई ऑफ नई लिस्ट बात नहीं है। होम स्क्रीन हेडिंग होम स्क्रीन मोड ड्रॉअर मोड होम डबल स्क्रीन टैप टू मोड एक्टिवेट ड्रॉअर मोड है, बाय डिफॉल्ट हम ऐसा ही रखते हैं इसको। Display keyboard when entering app drawer off switch. जब किसी भी Double ऐप tap to को ओपन करें activate. तो कीबोर्ड ओपन होना चाहिए, ये ऑफ कर दिया है। Icon pull down gesture. Open apps on the home screen with one hand. इसको Double भी हम tap to नहीं छेड़ रहे, activate. Icon autofill off switch. इसको भी Double ये tap बाय to डिफॉल्ट जो है activate. वही रहने दे रहे हैं, आइकॉन ऑटोफिल। Home screen layout 5x6. होम स्क्रीन लेआउट, Double इसका tap to मतलब ये है activate. कि एक लाइन में 5 ऐप होंगे और टोटल जो लाइनें हैं वो 6 होंगी। तो ये ठीक है, मैं ऐसा ही रहने दे रहा हूँ। Home screen locked off. Home screen layout 5x6. Double tap to इसको activate. मैं 6x6 करना चाह रहा हूँ, तो 6 ऐप यानी ज़्यादा ऐप आ जाए तो अच्छा है ना। तो ये मैं करता हूँ कोशिश, अगर ये हो जाएगा तो, लेकिन शायद, चलो अभी इसको छोड़ देते हैं ना। Home screen locked off. Switch. होम स्क्रीन Double लॉक्ड tap to activate. ऑफ है तो ऑफ ही रहने दे रहे हैं। Swipe down on home screen, search. Double tap to activate. ये स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन, अब ये सर्च है तो मैं इसको फिलहाल नहीं छेड़ रहा। चलो Show app suggestions off, switch. Add apps to home screen. Newly downloaded apps will be added to the home screen. Checked on, अच्छा, switch. ये एक चीज़ है ना कि जो Double भी tap to ऐप activate. हम डाउनलोड करते हैं वो होम स्क्रीन पर ऑटोमेटिक ऐड हो जाए, इससे क्या होता है कि ज़बरदस्ती होम स्क्रीन पर पेज 1, पेज 2, पेज 3 बनते जाते हैं, जो कि वो एप्लीकेशन जहाँ ऑप्शन है हमारा ऐप्स के अंदर तो ऑलरेडी वो होते ही हैं, लेकिन होम स्क्रीन पर भी आ जाते हैं। तो ये बाई डिफॉल्ट ऑन रहता है हर फोन में, मैं इसको ऑफ कर दे रहा हूँ। Newly downloaded apps will be added to the home screen. Not checked. चलिए भाई, नॉट चेक हो गया। App animation speed. Adjust the speed of app startup and closing app. Double tap to lock. Double tap an empty area. Display app update dot. Display a dot next to the name of updated apps. Checked. Lock screen. Raise to wait. Off. Switch. Double tap to turn screen on. Off. Switch.
Raise, double tap to turn screen on, off, switch. Glance for Realme. Always on display, heading. Always on display. Double tap to activate. You might be looking for. चलिए ये भी nav bar, पूरा हो गया. अब हम इससे भी बाहर आ जाते हैं. Home screen, lock screen and always on display. Home screen, lock screen and always on display. Display and brightness. Display and brightness. यहाँ पर भी मुझे एक सेटिंग करनी है. तो ये हमने सैमसंग के फोन में भी आपको सब बताया हुआ है. इसी मोबाइल एक्सेसिबिलिटी वर्कशॉप की जो सीरीज है उसमें शुरू के मान के चलिए आपके 15-20 वीडियो तो केवल सैमसंग के फोन पर ही हैं. तो चेक्ड रेडियो बटन टेक्स्ट लाइट डबल टैप. अब ये लाइट है. चेक्ड रेडियो बटन टेक्स्ट टेक्स्ट है. डार्क डार्क नॉट चेक्ड रेडियो बटन ऑटो स्विच. ऑटो स्विच कुछ है मैं नहीं छेड़ रहा हूँ. ऑफ स्विच 513 ऑटो ब्राइटनेस ऑफ. ऑटो ब्राइटनेस ऑफ है, ऑफ ही रख रहा हूँ. आई कंफर्ट ऑफ है, ऑफ ही रख रहा हूँ. ऑटो रोटेट ऑफ. ऑटो रोटेट ऑफ है, ऑफ ही रखूंगा. आपको भी ऑफ रखना चाहिए. ऑटो स्क्रीन ऑफ 30 seconds. हाँ, ऑटो स्क्रीन ऑफ 30 seconds. ये इसको मैं बढ़ा करके मैक्सिमम 30 minutes है. इसमें सैमसंग में 10 minutes होता है. 10 minutes तो मैं 30 minutes not 30 मिनट कर दूंगा, क्योंकि जब पावर बटन से स्क्रीन ऑफ हो जाती है तो फिर क्या दिक्कत है. ऑटो स्क्रीन ऑफ 30. स्क्रीन कलर टेम्परेचर हेड कूल डिफॉल्ट वार्म 50. OSIE विजुअल इफेक्ट ऑफ स्विच. फॉन्ट एंड डिस्प्ले साइज मोर लिस्ट. यू माइट बी लुकिंग ऑलवेज ऑन डिस्प्ले. एज लाइटिंग वॉलपेपर्स बैटरी सेवर नेविगेट अप डिस्प्ले. चलो ये भी हमारा पूरा हुआ. यहाँ से भी अभी कुछ और हमें नहीं देखना है. डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस हो गया. अब आगे चलते हैं. साउंड एंड वाइब्रेशन. साउंड एंड वाइब्रेशन को भी चलो देख लेते हैं एक बार. साउंड एंड वाइब्रेशन. वाइब्रेट हेडिंग इन लिस्ट. वाइब्रेट ऑन रिंग चेक्ड ऑन स्विच. वाइब्रेट ऑन रिंग ऑन है. वाइब्रेशन इंटेंसिटी डबल टैप. ये वाइब्रेशन इंटेंसिटी मतलब वाइब्रेशन कैसा हो, कितना तेज हो, धीरे हो. तो इसको भी हम फिलहाल नहीं छेड़ रहे हैं. साउंड मोड वाइब्रेट. साउंड मोड जो है वो वाइब्रेट है फिलहाल. वॉल्यूम हेडिंग मीडिया 1300. मीडिया वॉल्यूम 1300 है इसको, मतलब जो अपन म्यूजिक वगैरह सुनते हैं उसका. रिंगटोन जीरो. रिंगटोन का जीरो है. नोटिफिकेशंस जीरो. जीरो नोटिफिकेशन का भी. अलार्म्स 1200. एंड अलार्म का 1200 है. वॉल्यूम बटन फंक्शन मीडिया वॉल्यूम. वॉल्यूम बटन फंक्शन इस पे क्लिक करते हैं जरा क्या होता है. वॉल्यूम बटन फंक्शन मीडिया वॉल्यूम चेक्ड. रेडियो रिंगटोन वॉल्यूम नॉट चेक्ड. ओके, वॉल्यूम बटन से आपको क्या रिंगटोन वॉल्यूम बढ़ाना है कि मीडिया का वॉल्यूम. तो ठीक है, हमको मीडिया ही बढ़ाना है. बाहर आ जाते हैं. साउंड एंड वाइब्रेशन डू नॉट डिस्टर्ब. डू नॉट डिस्टर्ब इसमें देख लेते हैं क्या है. डू नॉट डिस्टर्ब नेविगेट अप. डू नॉट डिस्टर्ब. डू नॉट डिस्टर्ब योर फोन विल नॉट रिंग और वाइब्रेट एक्सेप्ट फॉर अलार्म्स एंड टाइमर्स. स्केड्यूल्स नॉट एन एक्सेप्शंस हेडिंग 4 of 11. डू नॉट डिस्टर्ब दोस्तों आप सबको मालूम होगा ये ऐसा फंक्शन होता है. अलाउड नोटिफिकेशंस नोटिफिकेशन ड्रॉअर लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशंस डू नॉट वेक स्क्रीन 5 of 11. अलाउ मैसेजेस फ्रॉम नो 1 6 of 11. अलाउ कॉल्स फ्रॉम स्टार्ट कॉन्टैक्ट्स ओनली 7. रिंग फॉर रिपीटेड कॉल्स. साइलेंस मीडिया व्हेन डू नॉट डिस्टर्ब इज ऑन ऑफ. तो ये डू नॉट डिस्टर्ब इसलिए होता है दोस्तों कि जब आपको फोन और कॉल्स वगैरह अगर नहीं लेने हो तब आप चाहें तो इसको बंद कर सकते हैं. तो उससे क्या है कि आपके पास कॉल्स वगैरह मतलब आएंगे भी तो आपको पता नहीं चलेगा, आप डिस्टर्ब नहीं होंगे. ऑफ स्विच डू नॉट डिस्टर्ब. अभी ये ऑफ है, ऑफ ही रखना है. रिंगटोन में चलते हैं. तो ये तो सेट करने के लिए इट्स रियल मी वाली सेट है, देख लेते हैं. वाइब्रेशन नेविगेट रिंगटोन वाइब्रेशन सिंक विद रिंगटोन इन लिस्ट कस्टम हेडिंग सिलेक्ट फ्रॉम फाइल्स सिस्टम रिंगटोन्स हेडिंग इट्स रियल मी चेक्ड चेक बॉक्स.
Realme tune, not check. It's Realme. Check. Realme tune. अभी फिलहाल calls and notifications will vibrate. नहीं बज रही है. It's Realme, not checked. Check system ring. It's real. ये है, ये है. ये इट्स रियलमी है. रियलमी ट्यून. ये रियलमी ट्यून है. Come, not checked. Nostalgic. मेरी तो पसंद की कोई है ही नहीं इसमें. Romance, not... Dreams. आप भी सोच रहे होंगे काम यही सब बताने लग गया आपको. It's system ringtones. It's Realme. ये अब यहाँ पे सैमसंग और इसमें आपको एक फर्क बताता हूँ. इसमें क्या है कि आप जब पूरी तरह से अगर वाइब्रेट कर देते हैं फोन को, तो वाइब्रेट जब आप कर देते हैं, वाइब्रेट जब कर देते हैं तो होता क्या है कि सब कुछ साउंड वाउंड जो रिंगटोन की है सब, मतलब जैसे ये कोई सी भी ट्यून हो, जैसे व्हाट्सएप की मैसेज भेजने की साउंड है या रिकॉर्ड करने का, वो सारा ही साइलेंट हो जाता है जब फोन को आप वाइब्रेट मोड पे कर देते हैं तो. और सैमसंग में क्या था, एक सुविधा थी कि फोन को मतलब जो हमारी इनकमिंग कॉल्स हैं उनको आप रिंग वाइब्रेट पे कर दो, और वहां पे रिंगटोन में एक ऑप्शन आता था नन. अब नन से क्या होता था, केवल आपका फोन वाइब्रेट होता था. तो वो वाली सुविधा अब मैं तुलनात्मक दृष्टि से भी आपको बता रहा हूं दोनों का फर्क, और ये हर जगह बताऊंगा क्योंकि सैमसंग का फोन लगभग 2.5 साल से यूज कर रहा हूं और ये भी फोन लगभग 10 महीने से मेरे पास है. तो इसलिए कि कहां पर किसमें क्या अच्छा है, देखिए ध्यान देना ये बात कि सैमसंग में क्या अच्छा है, रियलमी में क्या अच्छा है. अब सैमसंग को मान करके चलिए कि जो जो कंपनीज सैमसंग का जो यूआई है यूज करती हैं वहां पे फंक्शनैलिटी उसके जैसी होंगी, और जो जो ये जो चाइनीज कंपनीज हैं रियलमी, रेडमी, वीवो, बाकी सब ये जिस तरह की फंक्शनैलिटीज को यूज करती हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं. तो उसका क्लियर कट एक डिफरेंस तो यहाँ पर ये सैमसंग में मुझे अच्छी चीज़ लगती है. ताकि क्या होता है, आप नन पे कर दो, आपको कॉल्स वगैरह जो है वो मिलती रहेंगी और आपकी बाकी की जो ट्यून्स हैं, बाकी की जो रिंग्स हैं वो भी बजती रहेंगी. लेकिन रियल वी में ये सुविधा नहीं है. चलिए रिंगटोन हो गया, नोटिफिकेशन साउंड रियलमी जिंगल, रियलमी जिंगल है, नोटिफिकेशन साउंड इसको भी छोड़ देते हैं. मोर साउंड्स एंड हैप्टिक्स, मोर साउंड्स एंड हैप्टिक्स इसमें चलते हैं. ये मोर साउंड्स एंड हैप्टिक्स इसमें क्या क्या ऑप्शन है. हेडिंग डायल पैड टोन चेक्ड ऑन स्विच, डायल पैड टोन जो है वो ऑन है, मैं ऑफ कर रहा हूं. नॉट चेक्ड. Lock screen sound checked on switch. Lock screen sound on है तो ठीक है, on ही रहने देते हैं. Screenshot sound checked on switch. Screenshot sound भी on है. Deletion sound checked on switch. Deletion sound भी है इसमें भाई. Fingerprint animation sound off switch. Fingerprint animation sound ये मैं on करना चाहूंगा. Check. क्यों, उसका reason भी बताऊंगा आपको जब fingerprint का कुछ अपन करेंगे setting वगैरह वो बताऊंगा. वो चलो अभी बता देता हूँ. इसमें क्या है दोस्तों, जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है ना वो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है. आपको पता है सबसे पहले वीवो इस टेक्नोलॉजी को लेकर के आया था, अपने वीवो V21 शायद फोन है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट जब है तो ब्लाइंड व्यक्ति को स्क्रीन पर, इन डिस्प्ले का मतलब होता है आपका जो डिस्प्ले है, आपकी जो स्क्रीन है वहां पर फिंगरप्रिंट कहाँ पर है, आप एग्जैक्ट उस जगह पे फिंगर नहीं लगा सकते हैं. अब यहां पर भी अगर मैं तुलना करूं तो सैमसंग का जो पीछे की तरफ जो फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर है, इनफैक्ट किसी भी फोन का जो फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो भले ही कितना भी स्लो हो, कुछ भी हो, क्योंकि आमतौर पर ये कहते हैं कि जो इन डिस्प्ले वाला फिंगरप्रिंट होता है वो ज्यादा फास्ट होता है, तो मुझे तो भाई वो जो फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो ज्यादा पसंद है. क्यों, क्योंकि ब्लाइंड व्यक्ति आसानी से उसको लोकेट कर सकता है, लेकिन स्क्रीन पर जब है तो आप कितना भी कोशिश कर लें बहुत मुश्किल है. हालांकि इसके लिए मैं एक स्क्रीन गार्ड, एक जुगाड़ मतलब ढूंढ रहा हूँ. जुगाड़ तो क्या, ऐसा मेरे को पता है कि स्क्रीन गार्ड इस तरह के आते हैं जहाँ पे फिंगरप्रिंट जहाँ है वहाँ से वो स्क्रीन गार्ड जो है वो कटा हुआ होता है, तो ऐसा मुझे फिलहाल मिला नहीं है. जिस दिन मिल जाएगा उस दिन ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि सैमसंग में तो ऐसा मैंने एक बार एक फ़ोन में देखा था, उसमें होम बटन नहीं था दरअसल, तो उस होम बटन के लिए एक होम बटन की जगह पर थोड़ा सा कट वाला एक स्क्रीन गार्ड मुझे मिल गया था.
दो तीन साल पहले। तो ये कहानी है इस फिंगरप्रिंट की, तो इसलिए मैंने इस साउंड को फिलहाल ऑन कर दिया है। Touch sound, fingerprint animation sound checked on. Touch sounds off switch. टच साउंड्स ऑफ Double हैं, tap तो to चलो इसको activate. ऑफ ही रहने देते हैं Haptics heading. Touch या ऑन sounds करके देख off लेते हैं, देखते हैं बाद switch. में दिक्कत हुई तो ऑफ कर देंगे। Checked. ऑन कर दिया मैंने, Haptics vibrate on touch checked on ये switch. वाइब्रेट ऑन टच ऑन है, मैं Double ऑफ कर tap रहा tact हूं। not checked. Navigate up button. More sounds in. चलो बैक आते हैं। Nav bar, back button. Sound and ये जोरदार है भाई। vibration. देखो ये जो More मैंने sounds and टच haptics साउंड को in ऑन this. किया ना, तो इसमें अब टॉकबैक की साउंड को मैं ऑफ कर सकता हूं क्योंकि इसके ऑलरेडी साउंड्स दिए हुए हैं। ये सैमसंग में नहीं थी शायद सुविधा, जहां तक मुझे याद आ रहा है कि टच साउंड्स बोले, क्योंकि सैमसंग का अपना अलग सिस्टम है। Reduce notification feedback on full screen. Soften notification sounds and reduce vibration intensity when your phone is in full screen mode, such as when watching videos or playing games. Checked on switch. अब ये पता नहीं काफी लंबा Double चौड़ा एक tap to मैसेज है, ये activate. ऑन है बाय More डिफॉल्ट। sound. Reduce notification feedback on full अब screen. इसका जो Soften मीनिंग मुझे समझ में notification आया कि sounds भाई and reduce नोटिफिकेशन और vibration बाकी की intensity साउंड्स जो है ना, when your वो phone is उसका in full वॉल्यूम कम screen हो जाए mode, such as when watching ऑटोमेटिकली video. जब आप वीडियो वगैरह देख रहे हो, तो ठीक है ऑन ही रहने देते हैं। Global sound heading. Dolby Atmos. Double डॉल्बी tap एटमोस tact. का भी इसमें फंक्शन Dolby है, देखते Atmos. हैं। Dolby Atmos. Dolby Atmos. Checked on switch. डॉल्बी एटमोस ऑन है Double बाय tap to डिफॉल्ट। talk. Smart automatically adapt sound effects to the feature being used. Checked radio button in list. ये भी ठीक है, ऑन है। Movie real 3D surround sound and powerful bass. Not checked radio button. Gaming broad sound. Music vibrant and. Gaming, broad sound field with rich bass, not checked. Radio, music, vibrant and balanced sound, not checked. Radio button. म्यूजिक का एक ऑप्शन है इसमें, वाइब्रेट एंड बैलेंस साउंड, लेकिन जब हम कुछ प्ले करेंगे ना फाइल, तब इसको देखेंगे, इसलिए अभी Nav फिलहाल bar, back. इसको हम ऑफ कर रहे हैं। Sound and vibrant. Other settings. अदर सेटिंग्स में Double देख tap. लेते हैं, Other settings. अभी हम Ear साउंds monitoring. वाले ऑप्शन Low में ही हैं, latency ध्यान voice feed. रखना। Default recorder. Auto. Default recorder. Other settings. Default recorder. Auto select. In list. In ear mon. पहला Default ऑप्शन है recorder. डिफॉल्ट Auto रिकॉर्डर, select. देखते हैं इसका क्या मतलब है। Default recorder. Auto select. Add on. When a device. चलो इसको Auto. छोड़ देते हैं, Nav bar. कुछ रिकॉर्डिंग से Other संबंधित है। settings. In ear monitoring. Low latency voice feedback and professional reverberation effects. Navigate up. In ear monitoring. Low. In ear. Navigate up. Advanced settings. If your earphones are connected to the phone when keep in ear monitoring same as recording, the preset reverberation, voice changing, and equalizer effects will be included in record. Checked on switch. चलो ये Nav bar. ईयरफोन के साथ कुछ रिकॉर्डिंग Other वगैरह settings. से है Nav रिलेटेड। bar. Sound and vibrate list. Other settings list. You might be looking. Wake Google Assistant with power button. Double tap to गूगल activate. असिस्टेंट विद पावर बटन, ये मुझे ऑफ करना है शायद। Convenience tool. Assistive ball. Screen recording. Screenshot. Gestures and motion. Navigation. Convenience tool. Navigation. Gestures and motion. Screenshot. Nav bar. More sound. Reduce notification. Dolby. Other settings. Double tap. List. You might be look. Wake Google Assistant with power. Navigate up. Wake Google. Convenient assist quick return bub smart sidebar split screen wake Google Assistant with power button press and hold the power button for 0.5 seconds to wake up Google Assistant. If you hold the button for 3 seconds, you will open the power menu instead. Off switch. चलो ऑफ ही है बाय डिफॉल्ट। List. You might be look. चलो nav बैक आ जाते हैं। तो ये साउंड्स nav का जो सिस्टम है, back digital will be ये location ये हमारा ऑप्शन था। Convenience privacy. Password and notification settings out of list. Notification sound and vibration. Sounds and vibration पे हम Double थे tap tact. और अभी हमारे Realme Notifications फोन and के status सेटिंग bar. में हैं। Notification. अब आएगा इसमें System UI. नोटिफिकेशन, Nav bar. Home ठीक button. है। तो System launcher. अब हम ये चेक कर लेते हैं Saturday, फिलहाल। April 2nd. Actions available. Use इसके one आगे हम minute आज के right फंक्शन preview. नहीं बता पाएंगे आपको, लेकिन
एक बार चलते चलते प्ले स्टोर पे चेक कर लेते हैं सर्च क्या स्थिति है। सर्च असिस्टेंट प्ले स्टोर पेंडिंग डाउनलोड्स पेंडिंग डाउनलोड यू आर ऑल सेट। चलो अब ये कह रहा है यू आर ऑल सेट यानी सारे अपडेट हो गए हैं एप्स, तो अब मैं भी धीरे धीरे इस फोन को यूज करना चाहूंगा। अब मैंने आपको एक शॉर्टकट के बारे में बताया था, दो फिंगर बीच में एक फिंगर का गैप रखना है, ईयर पीस से नीचे की तरफ आना है, उससे नेविगेशन ड्रॉ नोटिफिकेशन ड्रॉर खुलेगा। बार बार पता नहीं क्यों नेविगेशन निकल रहा है मेरे मुंह से, लेकिन इसका उल्टा कर दें आप, अगर दो फिंगर्स नीचे से ऊपर की तरफ एक फिंगर का गैप छोड़ करके ले जाएंगे तो एप्स खुल जाएंगे। ये एप्स लिस्ट आ गई। अब ताकि अब मैं हाइकू ओपन करूंगा ना रिकॉर्डिंग ऑफ करने के लिए, हाइकू में आ गए हैं। Stop, अब इसको ऑफ स्टॉप भी करना है। तो ये दो शॉर्टकट्स, इसके अलावा काफी सारे फीचर्स हमने देखे आज Realme फोन के, कुछ हमने आज थोड़ी कहानी टाइप भी बात करी, और आगे अब मिलेंगे मोबाइल एक्सेसिबिलिटी के 80वें अंक में। तब तक आप रिकॉर्डिंग क्लब ऐप को इंस्टॉल करें, ऑडियो बुक्स को पढ़ें, न्यूज़पेपर्स को पढ़ें, ऐप को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, प्ले स्टोर पर रेटिंग्स दें, कमेंट करें, फीडबैक दें, रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। बताइए, एक घंटे से लगातार बोलता चला जा रहा हूँ, हालांकि मेरे साथ साथ मेरा गूगल TTS भी बोल रहा था। और आप कुछ और भी इसमें देखना चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करके बता सकते हैं कि भाई ये ठीक है प्रयास या बेकार है। तो डबल स्पीड करके सुनेंगे तो आधे घंटे में काम खत्म हो जाएगा यूट्यूब पर अगर सुनेंगे तो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले किसी अंक में। धन्यवाद। स्टॉप बटन।